Hello students, today our topic is conditionals, if sentences. We have just completed the tenses, and the knowledge of tenses is incomplete without the knowledge of conditionals. So let's begin with the knowledge of the formulations in if sentences or conditionals. Formulations. Basically, we are concerned with four formulations in conditionals in this video. Conditional zero, if plus present simple, and in the second clause there is also present simple. In the second type of conditional, we are just saying it first conditional, if plus present simple, and in the main clause there will be future simple. In the third type of conditional, if plus past simple, then the second clause is would do. In the fourth conditional, if plus past perfect, and then would have done. So हम इन्हीं चारों formulations को करने वाले हैं, और हम इसको conditional zero इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इन conditional से अलग है. Basically इनमें condition होती है, इसमें actually condition नहीं होती, ये surety होती है, इसलिए मैंने इसको conditional zero माना है, और ये conditional one, two और three. Let's do them one by one. कंडीशनल ज़ीरो. कंडीशनल ज़ीरो जो है, आप इसके अंदर देखेंगे इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल आपके इफ़ वाला जो क्लोज होता है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है, और जो मेन क्लोज होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल होता है. आपने क्लोजेस किए हैं. क्लोजेस एक तरह के स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही वर्ब का यूज़ होता है, और छोटे छोटे हम क्लोजेस को यूज़ करके बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं. तो अगर जिसमें दो क्लोज आते हैं और कंडीशन होती है, तो हम इस तरीके से उनको बनाते हैं, सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं. अब इसमें नोट आप देखेंगे, द इफ़ क्लोज कैन बी ईदर द फर्स्ट और द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. आप ये जो चारों टाइप की फॉर्मुलेशंस हैं, इनमें जो इफ़ क्लोज होता है या तो वो फर्स्ट होता है या सेकेंड पार्ट हो सकता है. मीन्स इफ़ क्लोज आगे भी लगा सकते हो और आप बाद में भी लगा सकते हो. अब कंडीशनल ज़ीरो को और आगे हम समझ लेते हैं. अफेक्ट समथिंग दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, तभी हमने इसको ज़ीरो कंडीशनल माना है. बिकॉज ये जो फैक्ट होता है ये हमेशा सही होता है. मीन्स इसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती, अगर नहीं होता इसमें. एग्जाम्पल से आप समझेंगे, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अगर आप आइस को हीट करते हैं तो ये मेल्ट होता ही होता है, तो कंडीशन नहीं है, ये होगा. तो इस वजह से ये ज़ीरो कंडीशनल है. इफ़ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट राइजेज इट्स प्राइस राइजेज टू. मीन्स अगर डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट की तो प्राइस अपने आप बढ़ता है, और ये कोई कंडीशन नहीं है. इट इज़ ईजियर टू रिलैक्स इफ़ यू क्लोज योर आइज. ये भी फैक्ट है. तो बेसिकली हम इस तरह का जो कंडीशनल होता है जिनमें दोनों ही क्लोज में आप प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, उसमें कंडीशन ना होकर उसके अंदर फैक्ट होता है. आप नोट देख सकते हैं, फॉर कंडीशनल ज़ीरो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ व्हेन इंस्टेड ऑफ इफ़, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रियल कंडीशनल सेंटेंस. व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट राइजेस इट्स प्राइस राइजेस टू. जैसे मैंने अभी बताया था कि ये रियल कंडीशनल सेंटेंस नहीं होता है, बिकॉज हम इफ़ की जगह अगर व्हेन लगाना चाहें तो वो भी सूटेबल होता है. लेकिन जो बाकी कंडीशनल्स होते हैं उनके अंदर इफ़ की जगह व्हेन अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा मीनिंग में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर आप लगाएंगे तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता. इफ़ और व्हेन आप दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं. नाउ कंडीशनल फर्स्ट फॉर्मूलेशन देखिए, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल. आपका जो इफ़ क्लोज है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट आता है, और जो मेन
जो क्लोज होता है उसके अंदर सिंपल फ्यूचर आता है। अब कंसेप्ट क्या है इसका, अ प्रेजेंट फ्यूचर सिचुएशन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। इसमें कैसे सेंटेंस लिए जाते हैं कि प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन हम लेते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी होती है, जो इसकी संभावना है, जो इसकी पॉसिबिलिटी होती है वो हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देखेंगे, आई सी हर क्वाइट ऑफन, मीन्स ये जो है ये बात है, ये जानते हैं आप, ये पता है, तभी आप ये सेंटेंस कहोगे कि मुझे वो प्राय मिलती है, मैं उससे प्राय मिलता हूँ। इफ़ आई सी हर टुमरो आई विल स्पीक टू हर, कि अगर मैं उसे कल देख मिलूँगा, मिलता हूँ, तो मैं उससे बात करूँगा। मीन्स आपको पता है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तभी आप इसको सिंपल प्रेजेंट से कहोगे और इसको सिंपल फ्यूचर से कहोगे। सेकेंड सेंटेंस है, दे आर ऑलवेज लेट, आपको लगता है कि वो हमेशा लेट होते हैं, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे कहेंगे, आई विल नॉट लेट दैम इन इफ़ दे आर लेट अगेन। आप एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे कि इसमें इफ़ क्लोज जो है वो बाद में लगाया है, तो आप पीछे भी लगा सकते हैं। तो इफ़ दे आर लेट अगेन, अगर वो दोबारा लेट होते हैं, मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगा। मीन्स आपका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हमेशा लेट आते हैं, ज़्यादातर लेट आते हैं, उनके लेट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तभी आप इस सेंटेंस को बोलोगे। तो जो कंडीशनल वन है, जिसमें इफ़ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल का हम यूज़ करते हैं, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी सिचुएशन की होने की, किसी भी कंडीशन के होने की। कंडीशनल टू, नाउ कंडीशनल टू, सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल फॉर्मुलेशन इज इफ़ प्लस पास्ट सिंपल एंड इन द सेकेंड क्लोज और द मेन क्लोज वी यूज वुड डू। पास्ट सिंपल सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन इन द मेन क्लोज वुड एंड डू। कंसेप्ट इज ज़ीरो प्रोबेबिलिटी, अ हाइपोथेसिस, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होती है। आप इसको कंडीशनल वन से कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी काम को होने की संभावना होती है, लगभग ज़ीरो होती है, या फिर हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होती है। कंडीशन हाइपोथेटिकल होती है, हाइपोथेटिकल मीन्स आपकी इमेजिनरी कंडीशन होती है, वो रियल नहीं होती, आप जस्ट सोच रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल्स पहले एक और इसमें होता है, दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक ज़ीरो प्रोबेबिलिटी और एक प्रेजेंट फ्यूचर सिचुएशन ऑफ लो प्रोबेबिलिटी। मीन्स या फिर प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन होती है लो प्रोबेबिलिटी की, लो मीन्स बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है या ज़ीरो होती है। तो पहले हम फर्स्ट टाइप कर लेते हैं कि लो प्रोबेबिलिटी हो तो हम कैसे करते हैं, ये आपने नोटिस करना है। यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ है, स्टिल यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन होती है, इट इज़ नॉट अ पास्ट सेंटेंस। आई डोंट ऑफन सी हर, ये फैक्ट है, ये हमें पता है कि मैं उसे प्राय नहीं मिलता या देखता। इफ़ आई सॉ हर टुमरो आई वुड स्पीक टू हर, अगर मैं उसे कल मिलता हूँ, मिल गया, अगर वो कल मुझे मिल गई, आई वुड स्पीक टू हर, तो मैं उससे बात करूँगा। हालांकि पॉसिबिलिटी जो है वो लो है, काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है, तभी यूज़ करोगे, लेकिन आपने सोच रखा है, आपने कंडीशन रखी, अगर मिले तो मैं उससे बात करूँगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस से और देखते हैं, आई डोंट थिंक एनीथिंग विल चेंज, मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगा। मीन्स आपको, आपकी जो दिमाग है उसमें क्या है, आपको पता है कि कुछ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप कंडीशन रखते हो, लो प्रोबेबिलिटी है, इफ़ एनीथिंग चेंज्ड वी वुड लेट यू नो। मीन्स चेंज होने की लो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ चेंज हुआ हम आपको बता देंगे, हम आपको इंटीमेट कर देंगे। इसमें आपने नोटिस किया है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है कि ये एक पास्ट सेंटेंस नहीं है, ये जो कंडीशन होती है ये प्रेजेंट या फ्यूचर की हो सकती है। नोट है, द प्रोबेबिलिटी इज़ अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्शन इन द इफ क्लोज, नॉट द अदर क्लोज और द कॉन्सिक्वेंस क्लोज। मीन्स जो इसमें प्रोबेबिलिटी होती है ये इफ़ क्लोज की होती है, आप सेकेंड वाले क्लोज के बारे में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये तो इसका कॉन्सिक्वेंस होता है। ओके,
नाउ सेकंड कंडीशनल का एक और टाइप हमने किया था जीरो प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है. आई डोंट हैव एनी टाइम दिस वीक, मीन्स आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि अगर है तो. इफ़ आई हैड सम टाइम आई वुड टाइडी अप माई ऑफिस, कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं मेरे ऑफिस को टाइडी अप करूँगा, मीन्स कर दूँगा. मेरे पास टाइम नहीं है, ये सीधा है, मीन्स इसका ये बिल्कुल पक्की संभावना है कि टाइम नहीं है, और फिर भी हुआ तो कर दूँगा. आई एम नॉट अ लॉयर, मैं एक वकील नहीं हूँ, आप क्लियरली पता है. इफ़ आई वर अ लॉयर, ये कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल होती है, जिसमें बी जो है उसकी फॉर्म का यूज़ होता है, तो वो कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल होती है. इफ़ आई वर अ लॉयर आई वुडंट टेक ऑन दिस केस, कि अगर मैं वकील होता तो मैं केस नहीं लेता, मीन्स अगर मैं वकील इसकी जगह हुआ तो मैं केस नहीं लूँगा या लेता. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर जब कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल होती है तो बी की फॉर्म लगती है, और सभी के साथ हम बी की फॉर्म वर का ही यूज़ करते हैं. अब नोट डाउन करना है आपने यही बात, द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी टू यूज़ इन द कंडीशनल टू इज़ वर. अभी हमने डिस्कस किया था फॉर ऑल प्रोनाउंस, सभी प्रोनाउंस के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं. अगर आपकी नाउन है जैसे राम है, वोज कर सकते हैं, तो प्रोनाउंस के लिए सभी के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं. इन सम केसेस वोज इज़ एक्सेप्टेबल, बट इट इज़ बेटर टू कीप इट टू वर्ब टू इंश्योर यू आर ऑलवेज करेक्ट. मीन्स फिर भी एक आध केसेस में आप वोज कर देते हो, लेकिन बेटर ये है सभी प्रोनाउंस के साथ आप वर्ब का यूज़ करेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट कंडीशनल, कंडीशनल नंबर थ्री, फॉर्मुलेशन. इफ प्लस पास परफेक्ट और देर इज एन एग्जाम्पल हैड डन, एंड इन द मेन क्लोज वी यूज वुड हैव डन. पास परफेक्ट इफ क्लोज के साथ लगाएंगे, वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे. एंड कंसेप्ट क्या होता है, अ पास सिचुएशन टू लेट टू डू एनीथिंग, जीरो पॉसिबिलिटी, जीरो पॉसिबिलिटी होती है, पास सिचुएशन होती है, और टू लेट टू डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में, हो चुकी है वो, आप उसका जो दूसरा एंगल है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उस सिचुएशन को आप चेंज नहीं किया जा सकता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ थिंकिंग यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. एग्जाम्पल्स, आई डिडंट सी हर यस्टरडे, आपको पता है आपने उसे कल नहीं देखा, कल नहीं मिले आप उससे, तो आप इस तरह की कंडीशन को कह सकते हैं, इफ़ आई हैड सीन हर आई वुड हैव स्पोकन टू हर, अगर मैं उससे मिला होता मैंने उससे बात कर ली होती, बट सिचुएशन इज ना आपको मिली ना आपने बात की है. दे वरंट लेट लास्ट नाइट, वो लेट नहीं थे, लेकिन आप कहोगे क्या कि अगर लेट होते आई वुडंट हैव लेट देम इन, मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया होता, इफ दे हैड बीन लेट, अगर वो लेट होते. आप देखेंगे किसी में सिचुएशन जो दी जाती है कंडीशन वो बिल्कुल उल्टी होती है उससे, रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है. नथिंग चेंज्ड आफ्टर यू लेफ्ट, इफ एनीथिंग हैड चेंज्ड वी वुड हैव लेट यू नो, अगर कुछ बदलाव होता तो हम तुम्हें बता देते. मीन्स फैक्ट क्या है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो बताते क्या. तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो पास्ट में यूज होती है, और उस वो हो चुकी होती है, बस उसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, और पॉसिबिलिटी ज़ीरो होती है. सो दीज आर अवर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. देर आर मैनी मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, बट इन दिस वीडियो वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दीज फोर टाइप ऑफ कंडीशनल्स. नाउ वी विल मूव ऑन टू नोइंग अबाउट सम स्पेशल केसेस. Special cases in these type of conditionals, use of would for politeness. अभी तक आपने देखा है कि आप will का use करते हैं, और first form of the verb, second form of the verb, past perfect form of the verb. But कभी कभी आप politeness show करने के लिए, आपके condition में politeness show करने के लिए आप
उसमें वुड का भी यूज़ कर देते हैं. जस्ट सी फॉर एग्जांपल, इफ़ यू फॉलो मी प्लीज़ आई शो यू योर रूम. अगर मुझे आप प्लीज़ फॉलो करोगे, देखो यहाँ पे आपको प्लीज़ का यूज़ करना पड़ा अगर आपको पोलाइटली कहना है. आई शो यू योर रूम, तो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँगा. लेकिन अगर आप वुड का यूज़ करते हैं इसमें, मीन्स फॉलो से पहले अगर आप वुड लगा देते हैं, तो यू डोंट नीड टू पुट प्लीज़. इट दिस सिचुएशन विल ऑटोमेटिकली बी पोलाइट इफ यूड वुड. ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ हुई है, आप वुड भी लगा सकते हैं अलग से. और यूड फॉलो मी आई शो यू योर रूम. तो ये जो सिचुएशन होती है जिसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बजाय वुड फॉलो या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होते हैं अगर आप इसको इफ क्लोज में यूज़ करते हैं. सेकेंड केसेस, स्पेशल केसेस, इम्पेरेटिव्स एंड रिक्वेस्ट इन कंडीशनल वन. इन कंडीशनल वन टाइप ऑफ सेंटेंसेस मीन्स इन विच देर इज प्रेजेंट सिंपल इन द इफ क्लोज एंड फ्यूचर इन द मेन क्लोज. एंड इन प्लेस ऑफ फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, इफ यू यूज इम्पेरेटिव्स और रिक्वेस्ट, दीज आर those kind of special cases. You see, if you see John, please give him this book. आपको यहाँ दिख रहा है कि see John, आप first type of conditional है, present indefinite है, तो उसके बजाय आपने क्या किया है यहाँ पे, आपने request का use किया है. आपने सीधा statement ना देके आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, इम्पेरेटिव का यूज़ किया. इम्पेरेटिव आपको पता है ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ज़्यादातर इनमें रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर्स वगैरह होते हैं. तो इसमें देखिए, आप इसमें मेन क्लोज में आप चेंज कर रहे हो, प्लीज़ गिव हिम दिस बुक. अगर तुम्हें जॉन मिले तो ये बुक उसको दे देना, फ्यूचर के बजाय आपने रिक्वेस्ट कर दिया. एक और सेंटेंस देखिए, कुड यू गिव जॉन दिस बुक प्लीज़ इफ़ यू सी हिम. आपको पता है आप कुड का यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, तो आप इस तरीके से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. कुड यू गिव जॉन दिस बुक प्लीज़ इफ यू सी हिम. इफ़ यू सी हिम द सेम सेंटेंस एज वॉज इन द प्रीवियस सेंटेंस, एंड इन दिस मेन क्लोज यू हैव पुट कुड. सो लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल्स. इफ यू आरंट बिजी, मे आई सी यू फॉर अ मिनट. आप इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हो, इफ़ यू आरंट बिजी, अगर आप बिजी नहीं हैं, मे आई सी यू फॉर अ मिनट, तो क्या एक मिनट के लिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ. तो ये भी एक तरह की रिक्वेस्ट है, मीन्स फ्यूचर के बजाय आपने इम्पेरेटिव का यूज़ किया. नाउ स्पेशल केस थर्ड, यूज़ ऑफ मे माइट कुड. मे माइट कुड का यूज़ कर सकते हैं. These can be used in the consequence clause. Consequence means main clause, to reduce the certainty of the action in that clause. Means आप इनका use कर सकते हैं अगर आपको वो certain नहीं है, अगर आपको consequence certain नहीं लग रहा है, तो आप इस consequence clause के अंदर future के बजाय या would plus first form के बजाय may, might वगैरह का use कर सकते हैं. तो first है conditional one sentence में, If I see her tomorrow, I will ask to her. Sorry, I will speak to her. अगर वो कल मुझे मिलेगी, I'll speak to her. ये sentence है. अब इस sentence का meaning है, अगर आपने इसमें future simple use किया है, तो it means there is no doubt that I will speak to her. High probability. कि कोई संदेह नहीं है, वो मैं बात करूँगा. Means मिलेगी तो ज़रूर बात करूँगा. If I see her tomorrow, ये if वाला clause same है, I may, might, could speak to her. आप may का भी use कर सकते हो, might का भी, could का भी use कर सकते हो, will के बजाय. Means आप models का use कर सकते हो, इन तीन models का. और इससे sentence में थोड़ा change हो जाएगा, ये जो high probability है, means ये लगभग surety है, ये थोड़ी सी possibility कम हो जाएगी consequence की. There is some doubt that I will speak to her even if I see her. कि चाहे वो मुझे मिल ही जाए, लेकिन इसमें डाउट है कि बात करने में, कि मे भी ना करें, मे भी कर लें.
तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस द सर्टेनिटी ऑफ द एक्शन इन दैट क्लॉज, मीन्स अगर वो मुझे मिलेगी कल तो हो सकता है मैं उससे बात कर लूँ, लेकिन इसमें क्या, मैं पक्का बात करूँगा, तो थोड़ी सर्टेनिटी कम हो जाती है अगर आपको लगता है इस तरह की आपकी फीलिंग्स है. नेक्स्ट इज स्पेशल केसेस थर्ड इन कंडीशनल नंबर टू, मीन्स यूज ऑफ मॉडल्स इन सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल. इफ दे वर लेट अगेन आई वुड नॉट लेट देम इन, ये कंडीशनल सेकेंड का सेंटेंस है, ये हमने किया था कि अगर वो दोबारा लेट हुए मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगा. इट इज़ श्योर दैट आई विल नॉट लेट देम इन, पक्का है कि अगर होते हैं तो मैं नहीं उनको एंटर करने दूंगा. बट अगर आप इसकी जगह वुड की जगह माइट का यूज़ कर देते हो, माइट आपको पता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं होती, अगर हम माइट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज़ पॉसिबल दैट आई विल नॉट लेट देम इन, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, ये हो सकता है कि मैं ना उनको एंटर करने दूँ, बट कोई पक्का नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत आपके अंदर है कि चलो कोई बात नहीं एंटर कर भी लेने दूंगा, कि हो सकता है ना एंटर करने दो. यूज़ ऑफ मे माइट कुड इन कंडीशनल नंबर थ्री, जो थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल है उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं इनका. इफ़ आई हैड सम टाइम लास्ट वीक, ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है, आई वुड हैव टाइडीड अप माई ऑफिस, वुड हैव और थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, कि अगर लास्ट वीक मेरे पास टाइम होता तो मैं अपना ऑफिस साफ कर चुका होता, कर लिया होता मैंने अपना ऑफिस. इट इज़ श्योर, ये श्योर है, पक्का है मैं अपना ऑफिस टाइडी कर देता अगर ये कंडीशन होती, अगर मेरे पास लास्ट वीक टाइम होता. बट अगर हम वुड की बजाय माइट और कुड का यूज़ करते हैं, आपने देखिए आप नोटिस करना है मे का यूज़ आप नहीं कर रहे हैं. मे का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, यूज़ मे ओनली इन कंडीशनल वन सेंटेंसेस, आप मे का यूज़ कंडीशनल वन में कर सकते हैं. Might and could can be used in all the three conditionals. आपने notice किया might जो है उसका use आप कर सकते हैं तीनों conditionals में, could का भी कर सकते हैं. May जो है वो conditional one में ही किया जाता है, जब high probability होती है तो उसको low में करने के लिए आप कर सकते हैं. Okay, अब हम sentence पर आते हैं. If I had had some time last week, I might could have tidied up my office. अगर लास्ट वीक मेरे पास टाइम होता तो मैं अपना ऑफिस साफ कर सकता था, पक्का नहीं है बट कर सकता था, जी करता तो कर सकते थे. माइट हल्की पॉसिबिलिटी है कि इट इज़ पॉसिबल दैट आई वुड हैव टाइडीड इट अप, ये पॉसिबल था कि हो सकता है मैं कर देता, बट नॉट श्योरली. बट अगर आप वुड का यूज़ करते हैं तो आप श्योरली करते, टाइम होते ही करते आप. एक और नोट देखिए, अवॉइड यूजिंग शुड इंस्टेड ऑफ विल और वुड इन अ कंडीशनल सेंटेंस. एक कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, मे का यूज़ कर सकते हैं, जो मेन कॉन्सिक्वेंस क्लोज है कुड का यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट शुड, बिकॉज शुड यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी नहीं दिखाता है. इफ़ आई न्यू हिज नेम, एग्जाम्पल देखिए, आई शुड को क्रॉस कर रखा मैंने, वुड से हैलो टू हिम, मीन्स शुड यूज़ नहीं कर सकते, हाँ वुड कर सकते हैं, कि अगर मुझे नाम पता हुआ तो मैं हेलो कह दूंगा, तो आप वुड लगा सकते हैं, शुड नहीं लगाओगे. कहीं आप सोचो शैल की सेकंड फॉर्म शुड है, विल की वुड है तो आप लगा दोगे, नहीं आप नहीं लगा सकते कि आई है उसके अकॉर्डिंग शुड हो जाएगा, ऐसा हम यूज़ नहीं करते. नाउ अब हमने कुछ स्पेशल केसेस किए हैं, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर लेते हैं. बच्चे नॉर्मली इनमें इनके यूजेस में मिस्टेक्स कर देते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपकी जो एक्सरसाइज होंगी कि उनके अंदर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. यूजिंग व्हेन इंस्टेड ऑफ इफ इन रियल कंडीशनल्स, रियल कंडीशनल मीन्स जीरो को छोड़कर जो तीन कंडीशनल है, जो सेकेंड थर्ड फोर्थ कंडीशनल है, मीन्स जो उनका नाम मैंने रखा 1, 2, 3, तो उनमें हम इफ़ के बजाय वैन का यूज़ नहीं कर सकते. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंडीशनल ज़ीरो के अंदर हम वैन लगा दें, इफ़ लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बट नॉट इन कंडीशनल 1, 2, 3. नाउ सी द एग्जांपल, कंडीशनल 1, व्हेन आई सी हर टुमारो आई स्पीक टू हर.
दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, कि गलत नहीं है ये सेंटेंस, अगर हमने इफ़ के बजाय आपने इसमें वेल लगा दिया, करेक्ट है, बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. लेकिन इफ़ का मीनिंग अलग है, वैन का मीनिंग अलग है. इट मीन्स यू आर सर्टेन यू विल सी हर टुमारो. अगर आपने वेल लगा दिया मीन्स जो कंडीशन है वो सर्टेन हो जाएगी, मीन्स वो कंडीशन ही नहीं रहेगी. इट इज़ नो लॉन्गर अ कंडीशनल सेंटेंस. अब ये कंडीशनल रहा ही नहीं, मीन्स ये ज़ीरो कंडीशनल हो गया है. कॉमन मिस्टेक नेक्स्ट, यूजिंग वन वर्ड इंस्टेड ऑफ इफ इन रियल कंडीशनल्स. मीन्स आपने उसके अंदर लास्ट वाला जो सेंटेंस था उसके अंदर आपने देखा था वन का यूज़ आपने करके देखा जो रॉन्ग है. आप यहाँ पे इफ का यूज़ करेंगे. इफ आई सी हर टुमारो आई विल स्पीक टू हर. यूजिंग वन इंस्टेड ऑफ इफ इन कंडीशनल नंबर टू. टू के अंदर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने टू में वन लगाया, वन इट वर अ लिटिल वार्मर आई वुड गो फॉर अ स्विम. आप क्या लगाओगे? इफ लगाएंगे. इफ इट वर अ लिटिल वार्मर आई वुड गो फॉर अ स्विम. दोनों में डिफरेंस है. दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब आप वन का यूज करोगे इट मीन्स ये जो है ये कंडीशन नहीं रही, ये कि जब लिटिल वार्मर हुआ तो ये कंडीशन नहीं हुई, ये क्या हो जाएगा? फैक्ट हो जाएगा. और फैक्ट को हम इसमें नहीं कहेंगे, हम फिर ज़ीरो कंडीशनल से कहते हैं. इसलिए हम यूज़ किसका करेंगे? इफ का. अब एक एग्जांपल कंडीशनल थ्री का भी कर लेते हैं. व्हेन आई हैडन्ट हैड सो मच कॉफ़ी आई वुड हैव स्लेप्ट बेटर. व्हेन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ये रॉन्ग है, या हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इफ. इफ आई हैडन्ट हैड सो मच कॉफ़ी आई वुड हैव स्लेप्ट बेटर. अगर मेरे पास इतनी कॉफ़ी होती, मैंने ली होती, तो मैं बेटर सोया होता. इन फैक्ट इज ना आपने कॉफ़ी ली और ना आप सोए, कंडीशन है. अगर आपने वेल लगा दिया तो ये कंडीशन रही ही नहीं और ये तो है ही नहीं, वो फैक्ट हो जाएगा. और फैक्ट है नहीं, फैक्ट तो उससे बिल्कुल अपोजिट है. नाउ नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज यूजिंग विल और वुड ट्वाइस. हम एक दो क्लोज लेते हैं तो दोनों में हम फ्यूचर का यूज़ नहीं कर सकते, या दोनों ही के अंदर आप विल का यूज़ नहीं कर सकते, या दोनों के अंदर आप वुड का यूज़ नहीं कर सकते. देखिए फॉर एग्जांपल कंडीशनल वन में आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे भी लगा देते हैं, हम हिंदी में इसी टाइप के कंडीशनल बोलते हैं कि अगर तुम कल वापस आओगे तो मैं तुम्हें ये दे दूँगा. हिंदी में तो हम ऐसे बोलते हैं, बट इंग्लिश के अंदर ये जो फॉर्मेशन है ये गलत है. अगर ये मेन क्लॉज के अंदर आप फ्यूचर लगाते हो तो ये जो कंडीशन है ये आपको प्रेजेंट सिंपल में देनी होती है. इस सेंटेंस को आप इस तरीके से कहोगे, इफ़ यू कम बैक टुमारो आई विल गिव इट टू यू देन. नाउ सी द एग्जांपल ऑफ सेकंड कंडीशनल जिसमें ये रॉन्ग सेंटेंस है. यू वुड मिस द बस इफ़ यू वुडंट लीव नाउ. ये रॉन्ग सेंटेंस है और इसके अंदर क्या आना चाहिए? आप दो बार वुड का यूज़ नहीं करेंगे, ट्वाइस नहीं यूज़ करेंगे, तो आप क्या करेंगे? वुड को यहाँ लगाने के बजाय इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये कंडीशनल टू है. कंडीशनल टू में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है. अब देखेंगे, यू वुड मिस द बस इफ़ यू डिडंट लीव नाउ. आपने डिडंट यूज़ किया है इफ़ वाले क्लॉज के अंदर. नेक्स्ट इज कंडीशनल थ्री में ये रॉन्ग सेंटेंस है. दोनों में आपने वुड हैव का यूज़ किया है तो ये भी गलत है. इफ़ वाले क्लोज के अंदर आपने क्या लगाना है? हैड का यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है. इफ़ यू वुडंट हैव सेड एनीथिंग, अगर तुमने कुछ नहीं कहा होता, नो वन वुड हैव नोटिस, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होता, तो इसको हम कैसे कहेंगे? नो वन वुड हैव नोटिस इफ़ यू हैडंट सेड एनीथिंग. तो यहाँ पर क्या आया है? पास्ट परफेक्ट आया है. नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज मिक्सिंग अप वन कंडीशनल विद अनदर. एक कंडीशनल को दूसरे से अगर हम मिक्स कर देते हैं, मीन्स मेन क्लोज में कोई कंडीशनल के अकॉर्डिंग लगा देते हैं वर्ब, और जो कॉन्सिक्वेंस जो इफ क्लोज है उसके अंदर किसी और के अकॉर्डिंग लगा देते हैं. अब देखिए दो, इस एग्जाम्पल में दो कंडीशनल्स को हमने मिक्स कर दिया, गलत है ये. कंडीशनल वन और कंडीशनल टू को देखिए, हमने कलर के हिसाब से लिया है कि जो कलर है वो कंडीशनल अगर टू है तो टू वाला रेड कलर है और वन के लिए हमने ब्लू कलर दिया है. हाउ मच वुड
एच बी इफ आई पे कैश. रॉन्ग है ये. अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमें यहाँ पे विल शैल लगाना चाहिए. मीन्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आता है तो यहाँ फ्यूचर सिंपल लगाना चाहिए. या ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाई है तो यहाँ पे पास सिंपल आना चाहिए. तो होना क्या चाहिए, इसके बजाय हमने क्या करना चाहिए, हाउ इधर हाउ मच विल इट बी इफ आई पे कैश. यहाँ तो कंडीशनल दोनों ब्लू ब्लू ही आएंगे. मीन्स या तो यहाँ पे फ्यूचर लगा दीजिए या फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दीजिए. नाउ कंडीशनल टू और थ्री को अगर आप मिक्स कर देते हैं, मीन्स कैसे मिक्स किया हुआ है इस सेंटेंस में, इफ़ यू केम अर्लियर वी वुड हैव हैड मोर टाइम. यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म लिया है और यहाँ पे हमने यहाँ हैड परफेक्ट वाले, परफेक्ट टेंस वाले, पास्ट परफेक्ट वाले की तरह यहाँ पे हमने कॉन्सिक्वेंस क्लोज ले लिया है. तो दो तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसको सारे को कंडीशनल टू बना दें या सारे को कंडीशनल थ्री बना दें. मीन्स इधर इफ़ यू केम अर्लियर, या तो आप ऐसे सेंटेंस यूज करें, वी वुड हैव मोर टाइम. या आपने सेकेंड फॉर्म ली है तो वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और वुड है और थर्ड फॉर्म लगाएंगे. या तो इसको कंडीशनल थ्री में चेंज कर देंगे या कंडीशनल टू में, किसी एक कंडीशनल में ही चेंज करेंगे दोनों. सो आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस टॉपिक. नाउ आई नो यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द कंडीशनल्स, पार्टिकुलरली द four conditionals. There are more complex forms also, but we will study them later. Now let's have exercise based on these types of conditionals. Complete the sentences with suitable clause. You have to complete these five sentences according to the conditionals I have done today. So I hope you will do it and share it with me on the WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.